हमारे साथ एक धोखा भी हुआ है, महादेव ने हमारे साथ एक धोखा किया है। वो कहते हैं ना, मंजिल से इम्पोर्टेंट सफर होता है, बट मेरे साथ कुछ अलग ही खेल हुआ है। है गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। भाई लोग, सोनप्रयाग आने के लिए हमारा ऐसी हालत खराब हुई है सोनप्रयाग आते हुए, हम बता नहीं सकते कैसी हालत खराब हुई है, पर हमारे साथ एक धोखा भी हुआ है, महादेव ने हमारे साथ एक धोखा किया है। बुला तो लिया यहाँ तक, पर दर्शन नहीं दिए महादेव ने। यात्रा हमें वहीं पे चेक पोस्ट पर रोक लिया गया है, उससे आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, और महादेव हमसे लग रहा है रूठे में। यह दूसरा अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट भी हमारा फेल हो गया है केदारनाथ का। अब क्या करें, बहुत दुख हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। जब महादेव बुलाएंगे तभी, जब उनकी इच्छा होगी दर्शन देने की, तो हम वो दर्शन देंगे। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम बस ट्राई मारेंगे। यहाँ तक आने के लिए हमने इतना कष्ट किया है, इतना कष्ट किया है, बहुत बुरा। पूरे रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखी थी, कीचड़ यहाँ तक पूरे पैरों तक भरी हुई थी, और वो पार करते हुए आए। पूरे रास्ते कल बारिश ही बारिश हुई है, लैंडस्लाइड। बाइक हमारी कम से कम 10-20 बार गिरी है रास्ते में दौड़ आते हुए। बहुत बुरी हालत हो गई थी। आप सबको एक्सपीरियंस बताता हूँ, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या क्या हुआ उनके साथ ट्रेजिडी। अतुल भाई, गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, बोलो भाई। अतुल, क्या बोलो, कैसे बताऊँ। कल का जो हमारा ट्रिप था ना, मतलब वन ऑफ द डेंजरस ट्रिप में इसको ले सकते हो, मतलब क्या बोलो, मैं वर्ल्ड की डेंजरस रोडों पे हम ट्रैवल किए हैं, वो भी अंधेरे में। जैसे हमने एक बार पहले भी अंधेरे में कर चुके हैं बिना लाइट का, और फिर हमने बिना लाइट का कल अंधेरे में दोबारा। ये तो कुछ ज्यादा रिस्की था, ये तो भाई साहब कीचड़ थे हमारे पैर। बाइक बीच में चल रही है, अपने आप स्लिप होके किनारे में आ जा रही है, इतना कीचड़। और रास्ता नीचे आप देखोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हालत होती है, फिर नीचे देखने पे या साइड में देखने पे। फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के आगे देखते, वो तो भोले बाबा की कृपा थी, यहाँ तक हम सेफ आ गए। का बुलावा था या नहीं, हमें लग रहा था हम आ गए। भोले बाबा का बुलावा था, पर आधा था, यहाँ तक बुलाना था, उसके बाद दर्शन नहीं देने थे, लेकिन हम आ गए यहाँ तक, बहुत अच्छा लगा आके। पर ये दूसरा टाइम फेल हुआ, पर तीसरा भी मारेंगे, जब तक दर्शन देंगे हम हटी है, हट नहीं सकते, ये तो नहीं। हम हमने हट रखा है, बार बार अटैम्प मारेंगे जब तक दर्शन नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे हमें दर्शन, देना पड़ेगा आपको। हम आते रहेंगे आपके पास। और दूसरे हम अपने उससे बुलाते हैं, हमारा जो मेरे पीछे बैठ के राइड कर रहे हैं, पिलियन है हमारे ट्रैवल बड़ी है ये अपना। कल का दिन बहुत ही खतरनाक था, अभी तक पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, पिछवाड़ा इसकी हड्डी और खाल दोनों चिपक गई है। भाई ने जो 300 किलोमीटर की जो राइड की है, वो भी पत्थरों में, भाई इतना खतरनाक, बाइक रपट रही है, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, कीचड़ में भर गए, फिर भी चल रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग, इतनी डेंजर वाटर क्रॉसिंग आई बीच में, बाप रे बाप, मर गए हम लोग। उसके बाद भी पहुंच गए, बाबा ने दर्शन तो नहीं दिए, बट बाबा के पैरों में पहुंच गए हम लोग। फिर पैर छू के जा रहे हैं बाबा जी के, फिर आएंगे, फिर दर्शन करने आएंगे, फिर नहीं आ पाएंगे तो फिर आएंगे, पर आते रहेंगे, ट्राई मारते रहेंगे, कभी तो कभी दर्शन मिलेगा हमें, कैसे नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा नहा धो के रेडी होते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। यहाँ से सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर के आसपास एक शिव पार्वती का मंदिर है, वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का शादी हुई थी, वो बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, यहाँ के लोकल लोग वहीं पे जाके शादी करते हैं, तो वो लोग वो मंदिर हम आज एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। आप को वीडियो पे मिलता ही रहेगा, तब तक के लिए लाइक शेयर, लाइक का बटन दबा दो, हिट मार दो जल्दी से, ऐसे ब्लॉग के लिए चैनल को, आपको ऐसे वीडियो आगे मिलते रहे, ऐसे खतरनाक रोडों पे जाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस दिखाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक अभी हम जाते हैं नहा धो के, फिर ब्रेकफास्ट करते और फिर उसके आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आगे। आगे सफर भी मंजिल चलती रहेगी, कहाँ जाना अभी कुछ पता नहीं, डिसाइड नहीं किया इसके आगे,
पर देखते हैं, जहाँ हमें भोले बाबा बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हमारी बाइकों की हालत देखी, क्या बुरी हालत हो गई है। बम्बल भी पूरी बहुत बुरी हालत में है। बम्बल भी दिखाता हूँ आपको, बम्बल भी की हालत। तो गाइस हम ब्रेकफास्ट करने सार्थक रेस्टोरेंट आए हैं। यहाँ पे ये जो सीतापुर की रोड है उसके स्टार्टिंग में ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आए हैं खाना खाने। हमने पनीर पराठे चाय ऑर्डर किए अभी फिलहाल के लिए। ये भाई से बुलाते हैं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जो सार्थक रेस्टोरेंट में हमारे साथ मिले हैं। भाई आपके अपने चैनल के बारे में बताइए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अरविंद रावला जी। तो अरविंद माही भी अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताता हूँ। मैं आप लोगों को अपने पहाड़ के बारे में बताता हूँ। इधर जो टेंपल मंदिर है उनमें क्या विशेषता है उनके, वो किस लिए फेमस है उनके बारे में बताता हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू भैया। इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब प्यार बरसाइए इनके चैनल पे। खासकर यहाँ के ये लोकल हैं और आपको अच्छा गाइड करेंगे। आप कभी भी यहाँ सोनप्याग की ओर आए, केदारनाथ की ओर आए, तो इनसे मिले और इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल। आपको होटल वोटल चाहिए यहाँ पर रहने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल के लिंक पर भी दिखेगा। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोनों को चैनल को आगे बढ़ाइए। तो अभी हम खाना खाते हैं। और कौन सा मंदिर आपने बताया था अभी जाएंगे ऊपर? तो जो अभी आप जिस मंदिर में जाएंगे वो है त्रिजुगी नायन। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी, तो वो मंदिर इसलिए फेमस है और लोग माना करते हैं वहाँ से पे लगभग 100 साल पहले से जो आग जो जल रही है, धुंध जल रही है, तो वहाँ से आपको एक भभूति मिलेगी जो उस धुंध से, तो वो 100 साल पहले से जल रही है। अच्छा, हाँ सर। इतनी एशियन टेम्पल जा रहे हैं हम लोग, तो इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो आप लोग, और इनके चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब, जाके इनके चैनल को एक्सप्लोर करो आप, प्यार बरसाओ। तो गाइस आपको इस रेस्टोरेंट को ऑनर से आपको मिलवाते हैं, यहाँ पर क्या क्या मिलता है उसके बारे में आप बताते हैं। चलते हैं हम रेस्टोरेंट ऑनर के पास। हाँ तो भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या हमारे सब्सक्राइबर को खाने को मिलेगा? जी सर, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वेजिटेरियन ही मिलता है आपको। वेजिटेरियन में आपको ऑल आइटम मिल जाएंगे, स्नैक्स और स्टार्टर वगैरह और पनीर के आइटम मिल जाएंगे आपको यहाँ। चाइनीज फूड मिल जाएगा? चाइनीज फूड में मिल जाए आपको, मंचूरियन सब चीज मिल जाएगा। हमारा ओपन हुआ है यहाँ पे रेस्टोरेंट, केदारनाथ रोड पे है सीतापुर में, और पैसा मिले हमें अच्छा लगा। और इनका खाना इतना है, टेस्ट है इनके हाथों में। एक बार हमें सेवा का मौका जरूर देंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ आओगे तो। मेरा नाम अरविंद माही है और इनका नाम दीपक। इन दोनों के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ भी आप यहाँ केदारनाथ आ रहे हो तो इनसे मिलिए, ये आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। आपको होटल चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे खाना रहना कुछ भी हो, आगे घूमना हो, सब में आपकी हेल्प करेंगे। एक बार सेवा का अवसर जरूर। जो मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर अगर केदारनाथ आते हैं तो यहीं आके मैं तो रिकमेंड करूंगा, यहीं आओ, यहीं खाना खाओ, यहीं रुको।